हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इमोशन है उन करोड़ों लोगों के लिए जिनके लिए कलाम सर एक फरिश्ता है। उनके जीवन ने उन सभी को इंस्पिरेशन प्रोवाइड किया है जो लोग सोचते थे कि गरीबी एक श्राप है। तो चलिए आज हम उनके डेथ एनिवर्सरी के दिन उनके कुछ बातों को जानते हैं, जिससे एज ह्यूमन बींग हम और भी खुद को बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पकीर जैनुल अबेदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे, और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। गरीबी के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपने परिवार को चलाने के लिए बचपन में ही अखबार बेचना पड़ा था, लेकिन वे एक मेहनती और तेज छात्र थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के स्कॉच हायर स्कूल से शुरू की। इसके बाद उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया। डॉक्टर कलाम ने DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से एक वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर शुरू किया और इमिनेंट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। उन्होंने 1969 में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना योगदान शुरू किया, जब वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिसका उपयोग 1980 में सैटेलाइट रोहिणी को लॉन्च करने के लिए मनाया गया था, और उन्हें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का डेवलपर माना जाता है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1992 में जब पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, तब डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे। 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के 11th राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट की उपाधि भी मिली थी। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले केवल 3rd राष्ट्रपति थे। हालांकि उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए फाइल नहीं की, और इसके वजह शिक्षा के क्षेत्र में लौट गए और 2015 में अपनी मृत्यु तक ऐसा करना जारी रखा। डॉक्टर कलाम एट द एज ऑफ 84 कोलैप्स्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग व्हाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर टू द स्टूडेंट्स ऑफ द बी स्कूल। डॉक्टर कलाम को लाखों भारतीयों ने पीपल्स प्रेसिडेंट मिसाइल मैन के रूप में देखा, जिन्होंने एक पेपर बॉय के रूप में जीवन शुरू किया था। डॉक्टर कलाम विज्ञान के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी वर्क एथिक्स ने लाखों लोगों को प्रेरित किया जीवन के सभी क्षेत्र के लिए। उनकी शिक्षाएं करियर और जीवन में हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक रही है। उन्होंने आज ही के दिन हमें छोड़ दिया था और सर्वशक्तिमान से जुड़ गए थे, लेकिन हम लोगों को हमेशा इस महान व्यक्ति के जीवन का जश्न मनाना चाहिए और उन अच्छे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जो उन्होंने हमेशा सभी युवाओं में स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा सभी को प्रेरित करने के लिए एक सरल वास्तविक जीवन, डैट इज सिंपल रियल लाइफ के उदाहरण दिए। आज हम डॉक्टर कलाम के कुछ इंस्पिरेशनल बातों को दोहराने की कोशिश करेंगे, जिनके माध्यम से उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। नेवर क्विट एटीट्यूड। ध्यान रहे, सफलता एक कोशिश से नहीं मिलती। डोंट इवन स्टार्ट एनी वेंचर एक्सपेक्टिंग डेट। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सफलता पहले प्रयास में ही मिल जाती है, लेकिन 90% लोगों को बार बार कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। इसलिए ये कभी ना सोचे कि रिपीटिंग द सेम टास्क किसी काम का नहीं है। इच रिपीटेड अटेम्प्ट इज वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल। हर सफल व्यक्ति के पीछे कई असफल वर्ष होते हैं। डेट इज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। इसलिए अपने सपनों और लक्ष्य को कभी ना छोड़े। पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या आपने ये कहावत सुनी है, आप दुनिया को उसी रंग में देखेंगे जिस कलर का आपने चश्मा पहन रखा है। डेट इज यू विल सी द वर्ल्ड इन द सेम कलर एज द कलर ऑफ द ग्लास यू आर वेयरिंग। मन के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपका मन शांत है और सीधा सोच और आशा रखता है, तो आप हर स्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। हाँ, सच्चे नकारात्मक लोग कहेंगे, क्या गारंटी है कि सॉल्यूशन काम करेगा? हाँ, संभावना है कि ये काम न करे, बट अगेन देयर इज अ चांस दैट इट विल वर्क। एक एग्जांपल लेते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे।
उसने जो फ्यूज बनाया उसका 1000 गुना जल गया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। मन में आशा के साथ वो शांत रहा और समाधान के लिए ट्राई करता रहा और 1001 अटेम्प्ट में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। इसलिए यदि आप पॉजिटिव और होपफुल रहते हैं तो आपकी सफलता की संभावना अधिक है। माइंडलेस नेगेटिव थॉट्स आपको नीचे की ओर खींचते हैं। अपने लाभ के लिए नकारात्मक विचारों का प्रयोग करें। अगर किसी इंपॉर्टेंट वर्क से पहले आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उसे एक कागज पर लिख लें। नकारात्मक विचार केवल असफलता का भय है। लिस्ट से चेकआउट करें कि कौन से नेगेटिव फेयर्स प्रैक्टिकल है और कौन से सिर्फ अजीब कल्पना मात्र है। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन खोजने का प्रयास करें। Does remain positive and get success. You got to take risk. ये अच्छा है कि किसी भी काम से पहले सतर्क और सावधान रहे, ये आवश्यक है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपको जोखिम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाता है। इन आवर इंडियन वे ऑफ थिंकिंग हम नर्वस और अंधविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए कहे कि एक नए वर्क में लगभग 1,00,000 रुपये का निवेश करना एक जोखिम है कि ये काम नहीं कर सकता है, लेकिन जो जोखिम उठाने की शक्ति और बुद्धि रखता है वही जोखिम को दूर करने के बाद ही सफलता प्राप्त करेगा। सफलता की सीढ़ी के रूप में जोखिम उठाए। कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कभी भी हेजिटेट ना करें। सफलता पाने के लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बी हेल्दी, हेल्थ इज पैरामाउंट, स्वास्थ्य सर्वोपरि है। हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड का विकास कर सकता है। एक हेल्दी माइंड सफल चीज़ों के बारे में सोच सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं, ये स्वास्थ्य ही है जो वास्तविक धन है, ना कि कोई सोने या चांदी के टुकड़े। इसलिए अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी एंड से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल। हेल्दी रहना आपको सफलता के आधे रास्ते तक ले जाता है और फिर आप काम करके अगले आधे हिस्से को हासिल करने के लिए एकदम सही स्थिति में होते हैं। स्वेट एंड सेक्रीफाइस, पसीना और बलिदान, इन्हें शाब्दिक रूप से ले ही लिया जाना चाहिए। क्या आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? फिर आपको पसीना बहाने की जरूरत है। आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए और अधिक समय प्राप्त करने के लिए आपको अपने मजेदार समय का त्याग करना होगा। तब आपको सफलता और वो सेटिस्फेक्शन मिलना निश्चित है जिसमें आपने आपका बेस्ट दिया है। फ्यूचर सोचने में मत फंसो, वर्तमान का आनंद लो। आनंद का मतलब ये नहीं है कि आप आनंद ले और कंस्ट्रक्टिव हुए बिना अपना सारा समय बर्बाद करें। हार्डवर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क विफलता नामक बीमारी को मारने की सबसे अच्छी दवा है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बना देगा। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। ये कोई नई बात नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक हार्ड फैक्ट है जिससे आप बच नहीं सकते। क्या आपने ये धारणा सुनी है कि पैसे से सच्ची सफलता नहीं खरीदी जा सकती? ये सच है। नो वन विल हैंडल यू द सक्सेस इन योर हैंड्स लाइक यू परचेज ए बुक। आप फ्लिपकार्ट से अपने सक्सेस का ऑर्डर नहीं दे सकते। फनी लगता है बट सच है। कड़ी मेहनत ही एकमात्र ऐसी करेंसी है जिसके द्वारा आप सफलता खरीद सकते हैं। इट माइट नॉट साउंड गुड बट देर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। भगवान ने हमें सिखाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बनाया है एंट्स यानी चींटियां, जो अपने काम को मन लगाकर करते हैं। चाहे रास्ते पे कोई बाधाएं आए, वो सिर्फ रास्ता मोड़ते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ना कि अपने काम को छोड़ के भागते हैं। डोंट कीप थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, सफलता के बारे में इतना मत सोचिए। है भगवान, मैं सफल होऊंगा या नहीं? साउंड रियली स्केरी नो, लेकिन हर वो मेहनत जो आप कर रहे हो, आप इसे एक डेफिनेट गोल की ओर रख रहे हो। एवरी जर्नी हैज ए डेस्टिनेशन, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए कि एंड रिजल्ट के बारे में लगातार सोचते रहना, जिससे आप एंशियस और नर्वस हो जाओगे। घबराइए मत, कीप फोकसिंग ऑन ऑल द इंडिविजुअल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रीच द अल्टीमेट गोल। एवरी स्टेप को सही ढंग से पूरा करें और फिर आपको अपनी सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। गेट गुड एट योर क्राफ्ट, डॉक्टर कलाम ने कहा है, तुम्हारा लास्ट मिस्टेक तुम्हारा बेस्ट टीचर है। नाउ ऑल वर्ड्स एंड नो इम्प्रूविंग योर स्किल्स लीड्स टू फेलियर। इसे एक नियम के रूप में अपने दिमाग में रखें। आप जिस भी फील्ड में हैं या जो भी हॉबी आप हासिल करना चाहते हैं, आपको उसके आसपास काम करना होगा, उसमें सुधार करना होगा और उसमें अच्छा होना होगा, तभी सफलता के करीब जाना आसान होगा।
तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी वक्त है, काम पर लग जाए। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का अर्थ धार्मिक होना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन बीइंग रिलीजियस। आध्यात्मिकता दैट इज स्पिरिचुअलिटी किसी भी आत्मा के साथ उसका कनेक्शन है। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद क्या आप बिना किसी संदेह के पूरी ईमानदारी के साथ सो पाते हैं कि अपने आप पर ऐसा क्या किया है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है? वो स्पिरिचुअलिटी है। द फीलिंग दैट यू आर मेकिंग ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। इतिहास और वर्तमान के महापुरुषों की तरह आपको सफल होने के लिए आंतरिक अंतरात्मा दैट इज इनर कंसाइन से जुड़ने की जरूरत है। इससे आपका मन लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अधिक स्पष्ट होगा। पैशन, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन यू। ये आपके भीतर से आना है। सफल होने का जुनून, मेहनत करने का जुनून, जब तक वो बर्निंग डिजायर आपके भीतर से नहीं आती, सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी। प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन, ये 21st century है और आज की दुनिया में प्रिंसिपल और डिसिप्लिन पर नहीं टिके रहने के बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल जैसे बींग ट्रूथफुल और हार्ड वर्किंग। डिसिप्लिन का अर्थ है इलीगल मेथड्स या शॉर्टकट्स का सहारा नहीं लेना। अनवारंटेड शॉर्टकट्स कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाते। इस वीडियो के खत्म होने से पहले प्लेज ले कि आप इसमें से कुछ पॉइंट्स ऑब्वे करने की कोशिश करेंगे जो आपको लगता है कि आप में कमी है, तब आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। एंड में मैं आपको डॉक्टर कलाम से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख बताना चाहता हूँ। ऑलवेज बी हम्बल इन सक्सेस टू। सफलता प्राप्त करने के बाद भी हमेशा विनम्र रहे, ये पॉइंट सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में बाकी सब पॉइंट्स विफल हो जाता है। स्पिरिचुअल मास्टर्स ने ह्यूमिलिटी पर बहुत कुछ बोला है और माता पिता ने हमें हम्बल होना सिखाया है। घमंड, अहंकार, स्वार्थ और नेगेटिव प्राइड से जुड़े होने पर जीवन में सभी सफलता वैल्यूलेस हो जाती है। विनम्रता डेट इज मैनर्स में एक आकर्षक गुण है और रहेगा, क्योंकि जहाँ अहंकार लड़खड़ाता है वहाँ विनम्रता जीत जाती है। यही कारण है कि डॉक्टर कलाम जैसे आइकॉन को हमेशा याद किया जाएगा और उनके कमी को हमेशा मिस किया जाएगा। इसलिए नहीं कि वो एक महान वैज्ञानिक थे, इसलिए नहीं कि वो शायद पहले पीपल्स प्रेसिडेंट थे, उन्हें मिस किया जाएगा क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सफलता के शिखर पर कभी नहीं बदले। ही ऑलवेज रिमेन द सेम हम्बल एंड केयरिंग सोल। वो हमेशा के लिए उन सभी लोगों के बीच रहेंगे जिन्हें उन्होंने अपने जीवन के दौरान प्रेरित किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।